हेलो एवरीवन, मैं अंकित दादीच आप सभी का हाईटेक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल दिख रहा है कि अपन इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करने वाले हैं कम्प्लीटली, कि एग्रोनॉमिक क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में जितने भी इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। काफ़ी लड़कों के कमेंट वगैरह आ रहे थे सर को कि पर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस होते क्या है, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि सारे इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम के बारे में पढ़ाते तो सब है, लेकिन एग्जांपल्स की बात आ जाती है जब अपन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें या फिर अपन एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग अपन उसको देखते हैं तो अपने को एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं। तो आज अपन यही करेंगे कि मेजरली जितने भी सच्चे विज्ञान, जितना भी अपना एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस यानी जितनी भी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी उद्यानिकी की जितनी भी फसलें हैं उनके अपन इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम अपन यहाँ देखेंगे। सबसे पहले जर्नल इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे कि एक्चुअल में पुष्पक्रम होता क्या है, क्योंकि अपन सभी जानते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम होता है। हिंदी में अपन सीधा सा बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम, लेकिन पुष्पक्रम एक्चुअल में होते क्या है भाई। अगर इन सिंपली लैंग्वेज में अगर अपन उसको इन्फ्लोरेसेंस को डिफाइन करें तो अपन कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर यानी एक फ्लावर की व्यवस्था को ही अपन क्या कहते हैं, फ्लावर या फिर इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर सीधा सा होता है कि फ्लावर का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। वैसे देखा जाए कि अरेंजमेंट किस तरह से करते हैं अपन फ्लावर का, अरेंजमेंट किस तरह से करते हैं, जैसे अपन ने काफी बार पढ़ा होगा पेनिकल, और पेनिकल को अपन कहते हैं गुच्छे टाइप में या बंच फॉर्म में कहते हैं, ठीक है, बंच टाइप में या गुच्छे टाइप में कहते हैं। तो फ्लावर बनता कैसे है वही चीज अपन यहाँ पर आज देखने वाले हैं। जैसे ये सारी स्ट्रक्चर अपने को दिख रही है, सारी की सारी स्ट्रक्चर अपने को दिख रही है, एक्चुअल में फ्लावर पर्टिकुलर फ्लावर किस तरह से होते हैं और अपने जो स्ट्रक्चर है यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर की बात करें, ये स्ट्रक्चर किस तरह की है, सारी चीजें अलग अलग होती है तो अपन यही देखेंगे। जैसे रेसीम वगैरह अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ अपन मोस्टली अपन जो चीज देखेंगे तो यहां पर अपन बात कर लेते हैं, एक एक फ्लावर को लेकर अपन चर्चा करते हैं कि हर एक तरह से अलग अलग फ्लावर स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन की अगर बात आ जाए कि इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है, पुष्पक्रम होता क्या है, तो अपन वहां क्या लिखेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अब इसके आगे अपन पर्टिकुलर ये सारी की सारी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही अपन आगे देखेंगे कि किस किस तरह के फ्लावर होते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आता है पेनिकल, सबसे पहले अपने पास क्या आता है, पेनिकल, ठीक है। इस पेनिकल में, पेनिकल, ठीक है, पेनिकल, अब इस पेनिकल के अंदर अपन देखेंगे कि एक्चुअल में पेनिकल होता क्या है। जैसे अपन मैंगो के अंदर पेनिकल देखते हैं, मैंगो का जो पेनिकल देखते हैं उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से देखने को मिलती है अपने को, इस तरह से अपने को पेनिकल की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, यानी कि एक पूरा का पूरा क्या होता है, गुच्छे के रूप में होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, एक गुच्छा होता है यानी बंच होता है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर अपन वहां देखते हैं और इसी तरह की स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पर यानी पेडी के अंदर देखने को मिल रही है, सेम स्ट्रक्चर। ये किसका फ्लावर है, पेडी का, यानी धान की फसल का, धान की जो फसल होती है धान का एक फ्लावर है और इसको अपन पेनिकल बोल रहे हैं, एक्चुअल में पेनिकल बोल रहे हैं। और ये इसकी स्ट्रक्चर रह गई कि इसका अरेंजमेंट किस तरह से है, इंटरनली स्ट्रक्चर अगर अपन उसको और खोल के देखें कि फ्लावर को अगर आप अच्छे से खोल के देखो तो उसकी स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाई देगी, इंटरनली स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाई देगी, वो चीज अपन यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपना मेन एम क्या है, अपने को सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं, सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल देखने हैं। और इसमें पेनिकल के अंदर अपने पास दो एग्जाम्पल तो दे रखे हैं कि ज्वार और धान, ज्वार और धान, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिसके अंदर पेनिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे मैं बात करूं जई, जई जैसे ओट्स वगैरह बोलते हैं, ठीक है, जई के अलावा ये अपने को अंगूर में भी देखने को मिलता है, अंगूर, अंगूर के अलावा जो पेनिकल फ्लावर होता है वो किसका होता है, आम। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, पेनिकल फ्लावर के, यानी ज्वार जिसे अपन सोरगम बोलते हैं, धान, पेडी, जई, अंगूर और आम, इन सारों का फ्लावर स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सारों का फ्लावर स्ट्रक्चर होता है पेनिकल, इन सब का फ्लावर स्ट्रक्चर क्या होता है, पेनिकल। अब मैं थोड़ा सा इस आम के पेनिकल के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी आम के पेनिकल पे, क्योंकि जो आम का जो एक पेनिकल होता है, जैसे ये एक पेनिकल है आम का, इस आम के एक पेनिकल के अंदर लगभग लगभग 1000 से 6000 फ्लावर होते हैं, कितने होते हैं, 1000 से 6000 फ्लावर होते हैं, एक पेनिकल के अंदर 1000 से 6000 फ्लावर देखने को मिलते हैं, किसके, आम का जो एक पेनिकल होता है, एक पेनिकल यानी एक बंच जो होता है उसका एक जो गुच्छा होता है, उस गुच्छे के अंदर अपने को 1000 से 6000 फ्लावर देखने को मिलते हैं। क्या ये 1000 से 6000 फ्लावर जो है ये सारे के सारे आम बनते हैं, यानी अपन यूं बात करें आम के अंदर जितने भी फ्लावर है,
आम के अंदर जितने भी फ्लोवर हैं उन फ्लोवर में से कितना प्रतिशत फल बनता है, उन फ्लोवर में कितना प्रतिशत फल बनता है, तो आम के जो टोटल फ्लोवर होता है उसमें से सिर्फ 0.1% ही फल बन पाते हैं, 0.1% ही। यानी अपन इनडायरेक्टली ये कह सके कि 1000 में से कोई एक, 1000 में से कोई एक फूल ही क्या है फल बनता है, 1000 फूलों में से कोई एक फूल ही क्या है फल बन पाता है। ये सारी इन्फ्लोरेसेंस की बात हो रही है, मतलब इन्फ्लोरेसेंस इन द सेंस अपना यहां पर मीन यही है कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर उसकी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट किस तरह से, फ्लोवर की व्यवस्था क्या है भाई, फ्लोवर किस तरह से अरेंजमेंट है। अब मैंने जैसे ये स्ट्रक्चर बनाई किसके, पेनिकल की स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है, और यही स्ट्रक्चर आप लोगों को यहां पर भी देखने को मिल रही है, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर होती है। ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर किसकी, पेडी की, पेडी का जो फ्लावर होता है यानी धान का जो फ्लावर होता है उसकी स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर अपने इंपॉर्टेंस देखें, अपने जो कंपटीशन अकॉर्डिंग, वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, बिल्कुल दुर्गा शंकर वॉइस क्लियर नहीं है ना, चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वॉइस आ जाएगी है ना, वॉइस क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो यहां पर अपन देखते हैं कि मेन एग्जांपल कौन कौन सा, क्योंकि अपने सबसे ज्यादा अपने एग्जांपल ही पूछे जाते हैं, जैसे काफी बार पूछे धान का जो इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम क्या होता है, धान का पुष्पक्रम क्या होता है, मोस्टली जो आप लोगों को सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आम का पुष्पक्रम, आम का पुष्पक्रम क्या होता है। तो आम के पुष्पक्रम का अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट पेनिकल करते हैं, डायरेक्ट क्या करेंगे, पेनिकल करेंगे, क्योंकि अपने को यहां पर पता चल गया है कि आम का पुष्पक्रम क्या होगा, पेनिकल होगा। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसमें पेनिकल के अलावा अपने पास आता है स्पाइक, नेक्स्ट क्या आता है, स्पाइक, ठीक है। अभी स्पाइक के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में स्पाइक कैसा होता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल क्या है जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहां पर अपने को क्या दिख रहा है, जैसे ये सारा का सारा किसका, किसकी बाली दिख रही है आप लोगों को, ये जो ईयर है किसका है, गेहूं का, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वीट। लेकिन अगर अपन इसको इंटरनली स्ट्रक्चर में देखें कि स्पाइक एक्चुअल में होता कैसा, तो स्पाइक इस तरह से होता है, स्पाइक क्या होता है, इस तरह से अपने को देखने को मिलता है। अब इसमें दो तरह के फ्लोवर आते हैं, ठीक है, दो तरह के फ्लोवर अपने को इसमें देखने को मिलते हैं। काफी बार क्या होता है कि जब टॉप पोर्शन पर फ्लोवर आ जाता है तो नीचे वाले के नीचे वाले जितने भी फ्लोवर होते हैं वो सारे के सारे रुक जाते हैं। लेकिन अपन इसमें ओल्ड फ्लोवर और यंग फ्लोवर, ओल्ड फ्लोवर और यंग फ्लावर किसे बोल सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ा फ्लावर होता है, जो सबसे बड़ा फ्लावर होता है उसे अपन ओल्ड फ्लावर बोलते हैं, यानी पुराना पुष्प वगैरह बोल सकते हैं, और यंग एकदम जो यंग होता है, जो बिल्कुल छोटे छोटे फ्लावर होते हैं उसे अपन यंग फ्लावर बोलते हैं। हालांकि ये सारी की सारी क्या होती है, फ्लावर मॉर्फोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं अपन, फ्लावर बायोलॉजी के ऊपर चर्चा करते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को बायोलॉजी में अलग से पढ़ाएंगे, हाँ उसके अंदर आप लोगों को आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर अपन क्या देखेंगे कि एक्चुअल में सिर्फ अपने को एग्जांपल देखने हैं कि किस फ्लावर स्ट्रक्चर या इन्फ्लोरेसेंस का कौन कौन से एग्जांपल है। भाई बिल्कुल सर, सुपरवाइजर के अंदर 79 क्वेश्चन सही है, ओबीसी ओबीसी से बिल्कुल होने के चांसेस है भाई, हो जाएगा, चलिए बिल्कुल हो जाएगा। कैलाश चंद्र जी कुमावत कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी का हो जाएगा, अगर 79 क्वेश्चन आप लोगों का एग्जैक्ट है तो हो जाएगा, चलिए बिल्कुल हाँ। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नमस्ते, बिल्कुल नमस्कार, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब इसके अंदर जो मोस्ट एग्जांपल है अपने पास, इसको इसी स्पाइक को अपन यहां पर अपन इसको ईयर या हेड भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, ईयर या हेड, ठीक है। इसी स्पाइक को अपन यहां पर ईयर या हेड भी बोलते हैं, क्योंकि ईयर या हेड अपन बोलते हैं बार्ले यानी जो के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो उसको अपन बोलते हैं स्पाइक हेड या ईयर स्पाइक, इस तरह से अपन इसको नाम देते हैं। हेड भी बोलते हैं, ईयर भी बोलते हैं, हेड भी बोलते हैं। ईयर का मतलब होता है बाली, ईयर का मतलब क्या होता है, बाली। इस तरह से अपने को काफी बार ये देखने को मिलता है। अब यहां पर अपन देखें कि मेजर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसका मोस्ट एग्जाम्पल है ग्लेडियोलस, क्या है, ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस, ये सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है कि फ्लोवर है एक्चुअल में, ग्लेडियोलस क्या है, फ्लोवर है, ठीक है, यानी फूल वाला पौधा है, और इस ग्लेडियोलस का पुष्पक्रम क्या होता है, ये काफी बार पूछा हुआ है। तो ग्लेडियोलस का पुष्पक्रम क्या होता है, स्पाइक होता है, ग्लेडियोलस का पुष्पक्रम क्या होता है, स्पाइक होता है, नोट करते रहना साथ के साथ कि ग्लेडियोलस का जो पुष्पक्रम होता है क्या होता है, स्पाइक होता है। काफी बार पूछे हुए क्वेश्चन है, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ग्लेडियोलस का पुष्पक्रम क्या होगा। इसी तरह से अपने को देखने को क्या मिला, गेहूं, जौ और ग्लेडियोलस, सेम इसी तरह की स्ट्रक्चर बाजरा में भी देखने को मिलती है,
स्पाइक की तरह ही स्ट्रक्चर जो अपने को देखने को मिलती है बाजरा के अंदर, जिसे अपन बोलते हैं स्पाइकलेट। क्या बोलते हैं? स्पाइकलेट। ठीक है, स्पाइकलेट। ये सेम स्ट्रक्चर अपने को बाजरा में भी देखने को मिलती है। इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है बाजरा में भी, लेकिन अपन वहां पर इसको टर्म क्या देते हैं? स्पाइकलेट का देते हैं, क्योंकि इंटरनली जो स्ट्रक्चर होती है या फिर अपन यूं कहें कि फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वहां पर थोड़ा चेंज हो जाता है जब स्पाइकलेट आता है। तो आगे अपन देखेंगे स्पाइकलेट एक्चुअल में होता कैसा है। लेकिन जब भी स्पाइकलेट और स्पाइक दोनों ही क्या होता है? डिफरेंट होते हैं। स्पाइकलेट और स्पाइक दोनों ही डिफरेंट होते हैं, दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं। स्पाइक अलग होता है, स्पाइकलेट अलग होता है। बट यहाँ पर जब अपन बात करते हैं कि स्पाइक की बात करते हैं, स्पाइक एक्चुअल ये वाली स्ट्रक्चर में होती है। स्पाइक में क्या होता है? बिल्कुल इस तरह की स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। बट स्पाइकलेट में थोड़ा सा चेंज आता है जो अपन यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये बाजरे का फ्लावर है, तो स्पाइकलेट में यहाँ पर जो अपना एंड या फिर अपन यंग फ्लावर या ओल्ड फ्लावर जहाँ पर बोल रहे हैं, तो उसकी फ्लावर स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। फ्लावर स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ये अपने को यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, स्पाइकलेट का एक ही मेजर एग्जाम्पल है जो अपने को याद रखना है, वो क्या है? बाजरा। स्पाइकलेट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? बाजरा। और यही अपने को याद रखना है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने को याद रखने का होता है स्पाइक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्पाइक। और स्पाइक के अंदर अपन क्या क्या याद करेंगे? स्पाइक के अंदर अपन क्या क्या याद करेंगे? गेहूं, जौ और ग्लेडियोलस। गेहूं, जौ और ग्लेडियोलस, ये तीन एग्जाम्पल अपने को किसमें याद करने हैं? स्पाइक में याद करने हैं। बाकी स्पाइकलेट में अपने को क्या याद करना है? बाजरा याद करना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी तक आप लोगों का गुड इवनिंग चल ही रहा है। चलिए नेक्स्ट करें। हाँ बिल्कुल, बेचेज वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी नेट के लिए। बिल्कुल, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक के बेसिस वीडियो रिकॉर्ड है अपने पास और आप लोगों को मिल जाएंगे। 77 पे भी होने के पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी है। आप वीडियो की इंडेक्स में देखें, वीडियो वहां पर देखें, आपने यहां पर कट ऑफ सारी डाल रखी है। एक्सेप्टेड कट ऑफ जो है वो बिल्कुल डाल रखी है। नमस्ते, बिल्कुल नमस्कार। अरे बिल्कुल हो जाएगा, मिठाई खिला दे। हाँ बिल्कुल, चलिए हाँ ले आना, हमें भी खिला देना। और ये जो आप लोगों के संस्थान के द्वारा जो ये सारे के सारे क्या है? कोर्सेज है जो अभी अपन ने चलाए हुए, जैसे पशुधन सहायक, पशुधन सहायक जो एल एस ए, सभी एल एस ए वाले स्टूडेंट है उनके लिए है, 699 रुपए में है। ठीक है, इसी की तरह से एओ डबल एओ प्री पीजी का भी कोर्स चल रहा है 699 में। सारा का सारा ऑनलाइन कोर्स आप लोगों को मिल रहा है, परचेज अभी कर ले। अभी तक आप लोगों ने परचेज नहीं किया तो परचेज कर ले। उसके बाद जो अपन बात करेंगे टेसल एंड सिल्क की, टेसल और सिल्क के बारे में अपन यहाँ बात करने वाले हैं। जैसे मेजरली तो एक्चुअल में होता क्या है, टेसल और सिल्क आप लोगों को मक्का में देखने को मिलता है। ये सभी जानते हैं टेसल और सिल्क किस में देखने को मिलता है? मक्का के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मक्का का जो पुष्पक्रम होता है इनफ्लोरेसेंस की, जो अगर मैं बात करूं तो रेसिमोस टाइप का होता है। मक्का का पुष्पक्रम किस टाइप का होता है? रेसिमोस। मक्का का जो पुष्पक्रम होता है रेसिमोस की तरह होता है, रेसिमोस। रेसिमोस की तरह मक्का का पुष्पक्रम होता है। लेकिन अपन यहां पर क्या करते हैं, रेसिमोस को दोनों अलग अलग नाम देते हैं। जैसे नरमंजरी होती है, नरमंजरी को अपन बोलते हैं टेसल। नरमंजरी को क्या बोलते हैं? टेसल। ठीक है, नरमंजरी, इस नरमंजरी को बोलते हैं टेसल। ठीक है, और इसी तरह से सेकंड जो इनफ्लोरेसेंस होता है इसमें क्या होता है? मादा मंजरी, जिसे अपन बोलते हैं सिल्क, मादा मंजरी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को काफी जगह देखने को मिलते हैं। जैसे फर्टिलाइजर क्रिटिकल स्टेज आप लोग देखते हैं तब भी आप लोगों को टेसल और सिल्क देखने को मिलता है। इसी तरह से जब आप इरिगेशन क्रिटिकल, इरिगेशन की जो क्रिटिकल स्टेज देखते हो उसमें भी आप लोगों को टेसल एवं सिल्क दोनों ही चीज आप लोगों को देखने को मिलता है। अरे भाई बड़े छोटे क्या होता है, क्लास क्लास होती है, बड़े सर नहीं आए छोटे सर नहीं आए, ये गजब कर रहे हो यार तुम लोग। बड़ी करनी पड़ेगी एज, मतलब गजब कर रहे हो। रेसिमोस, हाँ बिल्कुल रेसिमोस, भुट्टा। चलिए हाँ, ये भाई माया बाद में याद कर लेना, मोह माया सब यही की यही धरी रह जाएगी।
माया बाद में याद करना। विवेक जी हाँ बिल्कुल, अब एक माया ने माया को याद किया तो दूसरा दूसरी को याद कर रहा है। मनीषा गजब गजब गजब, चलिए यहां भी ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा, ये सारे के सारे सुन लेंगे, मोह माया सारी की सारी यही रहने वाली है। चलिए तो टेसल एवं सिल्क, टेसल एवं सिल्क, ठीक है, दोनों चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, टेसल एक्चुअल में होता क्या है, तो टेसल नरमंजरी को बोलते हैं, जिसे अपन कॉमन लैंग्वेज में जमरा वगैरह बोलते हैं। ये टेसल निकलता है, ये टेसल कब निकलता है, जब आप बुआई कर देते हैं तो बुआई की 40 से 50 दिन बाद टेसल निकलता है। कब निकलता है, 40 से 50 दिन बाद टेसल निकलता है। और टेसल निकलने के 7 से 10 दिन बाद, ठीक है, टेसल निकलने के 7 से 10 दिन बाद क्या निकलती है, सिल्क निकलता है, जिससे अपना क्या बनता है, जिससे अपना भुट्टा बनता है, ठीक है, जिससे क्या बनता है, भुट्टा बनता है, ठीक है, बिल्कुल। यहां पर मूछे आना लग जाती है और मूछे जो होती है उसी मूछे को अपन क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं। मूछे को जो क्या बोलते हैं, मादा मंजरी या सिल्क बोलते हैं। और ये दोनों ही दोनों इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ये क्रिटिकल स्टेज में भी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये थोड़े ध्यान रखें। बाकी मक्का का जो पुष्पक्रम होता है, मक्का का पुष्पक्रम एक्चुअल में क्या होता है, रेसिमोस टाइप का होता है। और इसकी जो आकृति होती है, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तो इसकी आकृति कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी आप लोगों को। रेसिमोस की जो आकृति देखने को मिलती है, कुछ इस तरह से आप लोगों को रेसिमोस की आकृति देखने को मिलेगी, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कैपिचुलम, ठीक है, सूरजमुखी के ऊपर। अब सूरजमुखी का फ्लावर सभी ने देखा हुआ है, सूरजमुखी का फ्लावर क्या है, सभी ने देखा हुआ है। अरे बिल्कुल, कम्युनिकेशन तो बनाना ही है आफ्टर, हाँ बिल्कुल, आफ्टर 45 डेज, बिल्कुल सही है, 40 to 45 days, बट मैंने एवरेज लिया है 40 to 50 days एवरेज लिया है, बिल्कुल धन्यवाद, हाँ मिर्जापुर से बिल्कुल धन्यवाद। चलिए अगला देखते हैं कैपिचुलम, सूरजमुखी में तो देखने को मिलता ही ये कैपिचुलम, लेकिन इसी के साथ अपने को गुलदाउदी में भी कैपिचुलम देखने को मिलता है, गुलदाउदी, ठीक है, क्राइसेंथिमम स्पीसीज में भी आप लोगों को क्या है, कैपिचुलम ही देखने को मिलता है। इस कैपिचुलम को हिंदी में बोलते हैं अपन मुंडक, क्या बोलते हैं, मुंडक, हाँ बिल्कुल मुंडक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुंडक। ये एक्चुअल में सनफ्लावर का फ्लावर है और इसी से छोटे रूप में आप लोगों को गुलदाउदी का फ्लावर भी देखने को मिलता है। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को, ये आधा सेगमेंट काटा हुआ फ्लावर का क्या है, आधा सेगमेंट काटा हुआ, लेकिन आप लोगों को जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये एक्चुअल में कैपिचुलम की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप इंटरनल स्ट्रक्चर, जब आप फ्लावर बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, अपना तो मेन चीज क्या है कि अपने को सिर्फ सारे एग्जांपल याद करने हैं, सारे के सारे क्या है, एग्जांपल याद करने हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों को जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी तो किस तरह से देखने को मिलेगी कैपिचुलम की, इस तरह से, ठीक है, पूरा एकदम त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज के ऊपर यहां पर इसका क्या होगा, फ्लावर अरेंजमेंट होगा। अब यहां देखना, अब दो तरह के फ्लावर आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये ओल्ड फ्लावर दिखाई दे रहा है, ओल्ड फ्लावर, और ये जो छोटे छोटे फ्लावर है इसे अपन क्या बोल रहे हैं, यंग फ्लावर, ठीक है, यंग फ्लावर। दो तरह के फ्लावर, यानी जो छोटे फ्लावर है उसे अपन क्या बोलते हैं, यंग फ्लावर, और जो बड़े फ्लावर है उसे अपन क्या बोलते हैं, ओल्ड फ्लावर। ये दोनों ही चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। हालांकि ये क्या है, सारे फ्लावर बायोलॉजी से रिलेटेड है, मॉर्फोलॉजी जब आप उसमें पढ़ोगे फ्लावर बायोलॉजी के अंदर, तब आप लोगों को पूरा कंप्लीट पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें, नेक्स्ट अपन देखते हैं एरो। सभी जानते हैं एरो के बारे में, लेकिन इस एरो का जो दूसरा नाम अगर बात करें अपन, चलिए अगर अपन एरो की बात करते हैं तो एरो को अपन और बोलते हैं ओपन पेनिकल, क्या बोलते हैं, ओपन पेनिकल, ठीक है, ओपन पेनिकल भी अपन इसको बोलते हैं। ओपन पेनिकल बोलने का कारण यह होता है कि एक्चुअल में इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ये वैसे तो इसमें काफी टूटा फूटा फ्लावर दे रखा है, बट एक्चुअल ओपन पेनिकल भी इसी तरह से होता है, जिस तरह से अपने को पेनिकल देखने को मिला था बंचेज रूप में, उसी तरह से अपने को इसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ओपन पेनिकल के रूप में भी बोलते हैं। एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एरो की इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, जिसे अपन ओपन पेनिकल भी बोलते हैं। और ओपन पेनिकल एरो
एरो की जो स्ट्रक्चर बनती है वो किसमें बनती है? गन्ने में बनती है, यानी इनफ्लोरेसेंस एरो टाइप का जो होता है वो किसमें होता है? गन्ने के अंदर होता है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने एग्रीकल्चर के हिसाब से, अगर अपने एग्रोनॉमिक क्रॉप के हिसाब से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि एरोविंग किसमें होता है, एरोविंग किसमें होता है। काफी बार पूछा जाता है एरोविंग किसमें होता है, एरोविंग किसमें होती है? तो एरोविंग किसमें होती है? गन्ने में होती है। यानी एरो निकलने की जो प्रोसेस होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? एरोविंग बोलते हैं। एरो निकलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एरोविंग बोलते हैं। और एरोविंग किसमें होती है? गन्ने में होती है। काफी बार पूछा जाता है एरोविंग किसमें होती है, तो एरोविंग गन्ने में होती है। चलिए अगला देखते हैं, ये वापस आप लोगों के कोर्सेज वगैरह के बारे में है, ठीक है। चलिए अगला आपने को देखने को मिलेगा अम्बेल। क्या है? अम्बेल। और अम्बेल की जो स्ट्रक्चर आप लोगों को किसमें मिलेगी? अम्बेली फेरी फैमिली में। किसमें मिलती है? अम्बेली फेरी, अम्बेली, ठीक है। अम्बेली फेरी जो फैमिली होती है उसके अंदर आप लोगों को मोस्टली क्या है? अम्बेल देखने को मिलता है। अम्बेल जो इनफ्लोरेसेंस होता है अम्बेल इसमें मिलता है। इसी अम्बेल की तरह एक होता है साइम। इसी अम्बेल की तरह क्या होता है? साइम। और साइम आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है सेब में। साइम किसमें मिलता है? सेब में, यानी एप्पल के अंदर आप लोगों को कौन सा देखने को मिलेगा? साइम मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अम्बेल और साइम के फ्लोवर स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, जैसे आप लोगों को ये आप लोगों को जो अम्बेल की फ्लोवर स्ट्रक्चर दिख रही है, एक्चुअल में इसकी फ्लोवर स्ट्रक्चर इस तरह से होती है अम्बेल की, जिसे अपन छत्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छत्रक। इस तरह से अम्बेल इसकी फ्लोवर स्ट्रक्चर होती है। जैसे आप लोगों को ये फ्लोवर दिख रहा है, ये फ्लोवर किसका? गाजर का फ्लोवर है। किसके फ्लोवर है? गाजर के। और इसमें जो फ्लावर स्ट्रक्चर बनती है एक छतरी की तरह बनती है, इसलिए अपन इसको छत्रक भी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं साइम की बात करूं तो साइम भी सेम किसकी तरह होता है? साइम भी सेम अम्बेल की तरह होता है, बट साइम में थोड़ा सा फर्क रहता है। साइम में इस तरह के फ्लावर बनते हैं, ठीक है। साइम में जो फ्लावरिंग होती है वो किस तरह से होती है? इस तरह से, ठीक है। ये आप लोगों को इसमें फ्लावर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। किसमें? साइम में। और साइम का जो सबसे मोस्ट एग्जांपल है वो क्या है? सेब, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एप्पल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को किसमें देखने को मिलती है? साइम में देखने को मिलती है। अब काफी बार अगर मिल जाए कि साइम कौन सा है और अम्बेल कौन सा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को यहां पता चल जाएगा। इसके अलावा जो अपना अम्बेल है उसे अपन क्या बोलते हैं? छत्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छत्रक। और छत्रक की जो मोस्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी आप लोगों को, इस तरह से स्ट्रक्चर एक देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोगों को ये मेजरली, यहां पर ये बात वापस आ गई, जो बड़े आकार के फ्लावर है उसे अपन क्या बोल रहे हैं? ओल्ड फ्लावर, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे फ्लावर है ये क्या है? यंग फ्लावर, ठीक है। ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। लास्ट अपने पास आता है रेसिम। लास्ट अपने पास क्या आता है? रेसिम, ठीक है। इस रेसिम के अंदर आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल है जो अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे अपन रेसिम के अंदर जो ये फ्लावर स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही है, इसी के साथ इसमें सरसों मटर तो है ही, सरसों मटर तो है ही, लेकिन सरसों मटर के साथ आप लोग इसमें और क्या पढ़ सकते हैं? फूल गोभी, फूल गोभी, ठीक है। फूल गोभी भी इसका काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फूल गोभी याद आते ही आप लोगों के माइंड में पत्ता गोभी भी आता होगा, पत्ता गोभी, कैबेज भी आप लोगों के माइंड में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही फसलें ऐसी हैं जिनको अपन साथ साथ पढ़ते हैं, फूल गोभी पत्ता गोभी दोनों ही, कॉलीफ्लावर कैबेज को दोनों को ही साथ साथ पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ये जो पत्ता गोभी है इसकी फ्लावर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फ्लावर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसीलिए अपन इसकी जो इनफ्लोरेसेंस होता है उसको अपन कैटकिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटकिन, कैटकिन बोलते हैं। और कैटकिन की जो फ्लावर स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है, इस तरह से फ्लावर स्ट्रक्चर होती है, केटकिन की फ्लावर स्ट्रक्चर आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। ये केटकिन की फ्लावर स्ट्रक्चर है। किसकी फ्लावर स्ट्रक्चर है? केटकिन की। इस तरह से आप लोगों को इसमें केटकिन की फ्लावर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। लेकिन अगर पूछ ले सरसों मटर फूल गोभी, सरसों मटर और फूल गोभी, इसी के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा रेसिम, आंवला वगैरह में भी देखने को मिलता है, ठीक है। आंवला भी इसका इंपॉर्टेंट है, और मूली, आंवला और मूली, ये दोनों ही क्या है? इसके इंपॉर्टेंट होते हैं, मूली एवं आंवला, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल है। कौन कौन से? सरसों मटर आंवला फूल गोभी और मूली, फूल गोभी और मूली। लेकिन सिर्फ फर्क कितना आता है? पत्ता गोभी जो होती है
इस पत्ता गोभी का जो इनफ्लोरेसेंस है वो क्या है, कैटकिन है। क्या है? कैटकिन। ठीक है, वो कैटकिन होता है, इस स्ट्रक्चर में होता है। बाकी आप लोगों को जो रेसिम की जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो किस तरह से दिखाई देती है, ये स्ट्रक्चर जो आप लोगों को दिख रही है। ठीक है, रेसिम में जो एक्चुअल फ्लावर होते हैं वो किस तरह से आते हैं, जैसे ये स्टॉक जो डंठल जिसे अपन बोलते हैं, ये क्या है, डंठल। ठीक है, ये जो डंठल है इसी डंठल पर यहाँ पर फ्लावरिंग होती है। ठीक है, इसी डंठल पर क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। जैसे आप लोगों को इस फ्लावर में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है, यानी डंठल से आइड साइड में फ्लावर निकले रहते हैं, डंठल के आइड साइड में फ्लावर निकले रहते हैं, उसके बाद में परिपक्व होने के बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में ये बनता है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए अपना सफिशियंट है। ठीक है, सारा का सारा फ्लावर स्ट्रक्चर अपन यहाँ पर देखा, इनफ्लोरेसेंस के बारे में अपन ने बात की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अंबेली फेरी, बिल्कुल अंबेली फेरी सेब, हाँ साइम सेब में होता है दीपक जी। चलिए वॉइस बिल्कुल, हाँ अब तो हो ही गई है, बाकी और करेंगे। कैटकिन, कैटकिन जो होता है किसमें होता है, पत्ता गोभी के अंदर होता है, बिल्कुल। हाँ गुड्डी शर्मा जी बिल्कुल, गुड इवनिंग। चलिए बिल्कुल, सबसे लास्ट में पधारे आप लोग, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए अपने सारा इन्फ्लोरेसेंस देखा। इन्फ्लोरेसेंस में जो सबसे अपना इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सारे के सारे एग्जांपल्स अपने लिए काम के हैं, वो एग्जांपल्स अपने देखा। बाकी इंटरनली स्ट्रक्चर जो है अपन फ्लावर बायोलॉजी के अंदर या फिर मॉर्फोलॉजी के अंदर अपन पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।